देश में गैस की कीमतों और पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। अब सीएनजी पीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी हो गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार दो दिन हुई बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी गैस के दाम भी बढ़ाए गए हैं। घरेलू पीएनजी के दाम में 1 रुपए प्रति किलो जबकि सीएनजी के दाम में 50 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ती महंगाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने संसद भवन के नजदीक प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बैरिकेड पर चढ़ गए और प्रदर्शन जारी रखा। जल्दी से जल्दी दाम कम करो, आम जनता का नुचुड़ने का टेस्ट करना बंद करो। जब तक नहीं करेगा, 4 लोगों के लिए सरकार नहीं है, 140 करोड़ का जनता का सरकार है। जब चुनाव आएगा लॉकडाउन करेगा, जब चुनाव नहीं है तब लॉकडाउन हटाने का काम करेगा। शर्म आना चाहिए ये सरकार को, जनता के नाम पे बड़े बड़े आश्वासन देता है। किसका विकास हो रहा है? कीमती का विकास हो रहा है? कीमती का विकास कर रहा है इन लोग ने? शर्म आना चाहिए। 2014 में जब रेट बढ़ता था, 400 रुपए रेट था, तब इन लोग ने निकम ने सरकार बोला था। इनका संस्कृत सरकार है, बहुत संस्कृति है, 900 रुपए हो गया। स्मृति ईरानी कहाँ है? अरे प्रकाश जावड़ेकर कहाँ है? हाथों में केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लिखे बैनर, पोस्टर और एलपीजी सिलेंडर लेकर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संसद भवन का रुख किया। इस दौरान पुलिस और सीआईएसएफ ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तब कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत भी हुई, जिसके बाद सीआईएसएफ जवानों ने कार्यकर्ताओं को बस में बिठाकर हिरासत में ले लिया। इस दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा देखने को मिला। कार्यकर्ताओं की मांग है कि सरकार दामों में कमी करे, वरना इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। आप देखिए, चुनाव खत्म, 4 राज्यों में जीत कर आए हैं, उसका इनाम जनता को दिया है इन्होंने। आप देखिए, गैस सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़ाया है, पेट्रोल डीजल के ऊपर 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। ये वही लोग हैं जो आज सरकार में बैठे हैं, और UP 1 UP 2 में आदरणीय मनमोहन सिंह जी को स्मृति ईरानी चूड़ियां भेंट करती थी। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि आप नरेंद्र मोदी को क्या भेंट करने जा रहे स्मृति ईरानी? रूस यूक्रेन संकट की वजह से ईंधन की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। पीएनजी की कीमतों से पहले सीएनजी, रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी बढ़त देखने को मिली है। मार्च के महीने में 4 महीने से ज्यादा समय के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव देखने को मिला। ईंधन के दामों में ये तेजी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में आए उछाल की वजह से देखने को मिल रहे हैं। भारत अपनी ईंधन की जरूरतों का काफी बड़ा हिस्सा आयात के द्वारा पूरा करता है। यही वजह है कि महंगाई में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली से कमल कंसल के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।